नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को इस तरह की जानकारी दिया था कि न्यायालय के नाम पर भी लोग जाली दस्तावेज तैयार करते हैं, जाली डिग्री तैयार करते हैं। पहले तो लोग जाली के वाला तैयार करते थे, जाली दान पत्र तैयार होता था, जाली व्हील तैयार होता था, लेकिन आज के जमाने में अब न्यायालय का भी डिग्री या आदेश जाली बना रहे हैं। और इस तरह से न्यायालय का जाली डिग्री बनाकर ऐसे फ्रॉड व्यक्ति दूसरे की जमीन को हड़प रहे हैं, उसको जोत आबाद करने पर रोक लगा रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्ति के सामने यदि ऐसा शो होता है कि वह कहीं से डिग्री प्राप्त किया है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो इस तरह का डिग्री जो फ्रॉड व्यक्ति द्वारा लाया गया है और वह पंचायत में दिखाता है, सरपंच के न्यायालय में दिखाता है या फिर आपके अंचल कार्यालय या अन्य किसी न्यायालय में शो करता है कि मेरे पास में उस जमीन का असल दस्तावेज है और जबकि वह दस्तावेज जाली है, तो इसकी परख आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, जाली न्यायालय का डिग्री जो होता है उसमें वह जाली मुहर का प्रयोग करता है, कहीं से बाजार से मुहर तैयार करवाता है न्यायालय के नाम पर, और न्यायाधीश का हस्ताक्षर भी जाली होता है, लेकिन वह जाली व्यक्ति कहीं न कहीं आपको जाली दस्तावेज होने का सबूत छोड़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें केस नंबर रहता है, बिना केस नंबर का तो डिग्री नहीं हो सकता, और वो जो केस नंबर है उस केस नंबर को प्राप्त कर आप एक चुरकुट फाइल कर दें, और चुरकुट फाइल करने के बाद आप उस केस नंबर का सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करें, फिर उसकी जांच करें, तो आपको शायद यह आभास हो जाएगा, जो फैक्ट है वह सामने आ जाएगा कि वह उस व्यक्ति का जिसने यह शो कर किया है कि यह हमारा डिग्री है, मैंने प्राप्त किया है, तो वह जो डिग्री आप सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करेंगे संभवतः वह दूसरे के नाम का निकलेगा। और इसके साथ साथ जाली दस्तावेज बनाने के लिए बाजार से एक नकली मुहर बनवाया जाता है, जिस मुहर पर अवर निबंधन कार्यालय लिखा रहेगा या फिर किसी न्यायालय का अन्य न्यायालय का नाम लिखा रहेगा, तो उसकी परख के लिए आप उस न्यायालय में जाएं जिस न्यायालय का वह मुहर बता रहा है, तो वहां के जो पुराने चपरासी या फिर क्लर्क होंगे वह आपको बता सकते हैं कि यह मुहर जाली है या असल है। तो इस तरह से जाली दस्तावेज को पकड़ने का, उसकी परीक्षा करने का ये तरीका मैंने आपको बताया, और भी इनके कई तरीके हैं इस तरह का जाली दस्तावेज को परखने का, यह मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें, और मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।